पुरस्कार घोषित किया जाता है समर सामाजिक परिपत्र नंबर एक, समर सामाजिक सर्कुलर नंबर एक, जो पूरे देश में और देश के बाहर समर समाज में जाएगा। प्रिय समर सामाजिक संगठनों जैसे समर धम्म संगठनों, समर संत महापुरुषों पर आधारित संगठनों, समर सामाजिक दल बल सैन्य प्रकार के संगठनों, समर सामाजिक कूटनीतिक राजनीतिक संगठनों, समर बुद्धिजीवी संगठनों, समर कर्मचारी संगठनों व अन्य प्रकार के समस्त समर संगठनों, समर समाज के हम लोग आपको अपना नेता नायक मानते हुए जानते हुए आपके द्वारा दी गई समस्त प्रकार की सेवाओं का आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आपने समस्त समर समाज को 6,743 जातियों उपजातियों को संगठित करने के लिए दसियों हजार संगठनों का निर्माण किया। हमको संगठित करते करते आप स्वयं 10,000 से भी ज़्यादा टुकड़ों में बट गए, जो नुकसान देश को 6,743 जातियों से हो रहा था वह अब 10,000 से भी ज़्यादा टुकड़ों में बटने से और ज़्यादा होने लगा। एक शब्द में कहें तो आपने 10,000 से भी ज़्यादा और जातियों का निर्माण कर दिया। अतः देश हित में, समर समाज हित में यह परिपत्र हम समर समाज के द्वारा जारी किया जाता है कि आप सभी समर सामाजिक संगठन तुरंत प्रभाव से 14 अप्रैल 2020 तक एक केंद्रीयकृत समर सामाजिक संगठन कार्य प्रणाली का निर्माण करें, जिसके अंतर्गत सभी समर सामाजिक कार्य एक ही केंद्र से संचालित हों। एक विचार, एक समाधान, एक आय व व्यय, एक आंदोलन संरचना, एक धम्म संघ संत महापुरुष, एक नियम व उपनियम संहिता, हजारों शाखाएं, लाखों उपशाखाएं व करोड़ों पदाधिकारी एक ही संगठन के अंतर्गत व सभी संविधान के गुण गणतंत्र पर आधारित। चूंकि व्यक्ति प्रधान व्यवस्था वमन सामाजिक है और गण प्रधान गण नायक व्यवस्था समर सामाजिक है प्राचीन काल से, अतः आप हमें उपरोक्त गण पर आधारित एक केंद्रीयकृत समर कार्य प्रणाली की व्यवस्था दे पाएंगे, ऐसी हमें आशा व पूर्ण विश्वास है। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आप एक केंद्रीयकृत समर कार्य प्रणाली देने में असफल रहे, तब समर समाज के करोड़ों कामयाब योग्य काबिल हुनरमंद व समझदार युवक युवतियों को मौका दें। 14 अप्रैल 2020 को यह समर समाज आपके द्वारा स्थापित केंद्रीयकृत समर कार्य प्रणाली का स्वागत अभिनंदन करेगा। वह आपके द्वारा यदि प्रयास असफल होता है तब उसी दिन संसद मार्ग नई दिल्ली भारत से अपना अगला परिपत्र जारी करेगा। समस्त समर समाज की मंगल कामनाओं सहित। इसमें बीडी बोरकर साहब इसमें साइन करके गए हैं, विजय बौद्ध जी, और इसमें संदीप वाल्मीकि जी करके गए हैं। हमारी पूरी टीम का इसमें साइन आएगा। शाम 8 नवंबर 2019 आंध्र भवन अशोक रोड नई दिल्ली भारत से ही जारी है, और बाकी हमारी टीम इस पर साइन करेगी। और जो लोग आप इस पर साइन करना चाहें, क्योंकि ये पूरे देश में जाएगा और इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में लगातार होगा। जो रिजल्ट आएगा जैसा आएगा, क्योंकि जैसा समर समाज चाहेगा वैसा होगा। हमारी अपनी इसमें कोई रणनीति नहीं है, करना भी आपने है, हमें सिर्फ आपको जगाना है। कोई प्रश्न कोई उत्तर अगर हो तो ये इधर के लोग हैं, आपके प्रश्न का जवाब देंगे। इनका कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिए, बैठ जाते हैं। बाकी मीडिया है, जो इंटरव्यू लेना चाहे दे सकता है। एक बार क्लेरिफाई कर दीजिए, समर समाज जो है वो उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? समर समाज का अर्थ है समता, समानता, शांति, मेहनत का सच्चे संत भारत के लोग, और जो इसके उलट हैं वो वमण होते हैं। ये पाली भाषा का शब्द है। सुधीर जी, ये जो आप संगठन बना रहे हैं केंद्रीय, क्या इसमें जितने भी संगठन हैं देश के वो सारे इसके अंतर्गत चलेंगे या हम संगठन नहीं बना रहे हैं? आपने समर समाज है ये बेसिकली, हम कोई संगठन नहीं बना रहे, हम भारत के समर समाज के लोग हैं। हम परेशान इस बात से कि जो संगठन बने हैं वो हमारे भले के लिए बने हैं, मगर वो हमारा भला नहीं कर रहे, अब हमारे भले की जगह अहित ज़्यादा हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको तन मन धन से पूरा मदद करते हैं, मगर हम अपने लाभ के लिए करते हैं। आप लोग अलग अलग बटे हुए हैं, हमारा लाभ नहीं हो रहा है, हमारा तो और अहित हो रहा है। हम पूरे भारत के आम नागरिक हैं, हम कोई संगठन नहीं है, हम इकाई हैं, हम समाज हैं, हम कुछ नहीं बना रहे। जो बनाना है आपने बनाना है, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप बनाइए 20 तारीख तक। चूँकि आपके पास कोई कहने वाला है नहीं, तो हम समाज के लोग हैं, हम आपको कह रहे हैं कि भैया इसको बना के दीजिए, हमारा नुकसान ज़्यादा हो गया। अभी आपने ये कहा है कि 14 अप्रैल तक जितने भी संगठन हैं, जितने भी
संस्थाएं हैं सब एकजुट हो जाएं तो क्या संभव हो सकता है? ये असंभव है क्या? संभव लगता है, लगता तो आपको लगता है संभव है? हम समाज है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे फायदे की गारंटी आपने ली है। जिस तरीके से अभी खुद ही ने कहा कि संगठन अपना अपना भला चाह रहे हैं, तो क्या एक छत के नीचे आएंगे? मैंने ये नहीं कहा कि अपना अपना भला चाह रहे हैं, आप मेरे शब्द देखिए दोबारा से। मैंने कहा हमारा हित की जगह हित हो रहा है। पॉसिबिलिटी हैज नो लिमिट। सर क्या क्या लगता है ये जो संगठन है सारे, आपने कहा कि ये बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे समाज के लिए, क्या आप लोगों ने कभी इनका विरोध किया संगठन? हम समाज हैं, हमें अल्टीमेटली आना पड़ा क्योंकि अब आपातकाल है और सब लोगों को ये आना चाहिए, क्योंकि हम जिस उद्देश्य के लिए संगठनों को आगे बढ़ाते हैं या पैसा देते हैं या उनकी सभाओं में जाते हैं या उनकी मीटिंग में जाते हैं, वो उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे, बल्कि और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। 6,743 जातियों की साथ साथ 10,000 जातियाँ भी संगठन करा चुकी हैं, इनकी अपनी अपनी लिमिट है। ये बेसिकली हमारे समाज में जो हमारे हित के लिए होने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। क्या इसमें वो भी शामिल है जो सरकारी संगठन है, जो सब जो समाज में जहाँ भी जैसा भी है सब है, सबसे निवेदन है। जिस प्रकार से एक तरह आरएसएस एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है, वहीं पे जिम्मेदारी बहुजन समाज की जो जिम्मेदारी दी जाती है बामसे को, तो क्या इस जिम्मेदारी को बामसे लेके नहीं चल सकता है राष्ट्रीय स्तर का संगठन होने के बावजूद भी? चलना तो चाहिए, अब सोचना होना है कि क्या करना है। तमाम ग्रुपों बटा हुआ, सोचना तो चाहिए और उन्हें सोचना है कि क्या करना है, क्योंकि देखने में यह है कि आरएसएस तमाम चाहे कितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ब्राह्मणवादी मनुवादी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्हें एक साथ लेके चलती है, जिस वजह से मनुवाद ज़्यादा हावी हुआ। लेकिन अगर यही काम अगर बामसेफ ने शायद किया होता अब तक, तो आज जो लाखों की तादाद में हमारे सामाजिक संगठन बने हुए हैं वो एक मंच पे होते और एक साथ लड़ रहे होते, जिससे अहित नहीं होता बहुजनों का। लेकिन ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं कमी रह गई है? जहाँ तक मुझे बामसेफ की जानकारी है, बामसेफ का उद्देश्य भी यही था, व्यवस्था परिवर्तन, न कि संविधान और संगठन, ये जो संगठन है इसका काम करना, नेतागिरी करना, ये नहीं था। अब वो फेल हो रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को, हम भारत के लोग, हम जो रैंक एंड फाइल तो कॉमन आदमी हैं, उनको ये स्टेप लेना पड़ रहा है कि हमारे जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका कुछ और दूसरा उसका इलाज करना पड़ेगा, और वो इलाज सामने आ जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो उम्मीद है कि 2020 जो आपने 14 अप्रैल 2020 का जो समय दिया है, तो तब तक ज़्यादातर संगठन आपके साथ इस मूवमेंट के अंदर जुड़ जाएंगे, उम्मीद कर सकते हैं ऐसी? जो व्यक्तिवाद पर आधारित नहीं है और जो सुप्रीमो वाली प्रणाली पर नहीं चलते हैं वो निश्चित रूप से साथ में आएंगे, और जिनके अंदर डेमोक्रेटिक एक प्रणाली पर जो संगठन चल रहे हैं मुझे लगता है कि वो सब हमारे साथ आने वाले हैं, बाकी सब आइसोलेट होंगे और काम के संगठन सामने आएंगे। सर आपने जैसे अभी कहा कि हमने आपात लगा दिया जितने भी संगठन हैं, क्या जो संगठन के प्रमुख हैं उनको इस बात का पता है कि आज ये काम होने वाला है? ये सब लोग वही बैठे हैं, ये हमारे जो संगठन हैं वही प्रतिनिधि हैं। ये इसमें जो पहला साइन करके गए हैं वो माननीय बीटी बोरकर जी करके गए हैं, और भारत में सबसे अच्छा जो संगठन है बामसेफ का, जो सबसे बढ़िया तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके चलता है वो चला रहे हैं, पूरे भारत में सबसे बड़ा, जो सबसे अच्छी तरह से, उनके एक प्रतिनिधि ये हैं और एक और आए हुए हैं जो अभी आपको यहाँ बात कर रहे हैं। ये सभी संगठनों के लोग हैं, चूंकि आपको बुलाया 5 बजे गया है सुबह से, जितने संगठन थे उनकी ट्रेन थी, किसी का आवाज जाता है, कुछ आके चले भी गए हैं और कुछ नहीं आ पाए हैं, इसलिए ये कहना कि क्या बोलते हैं वो संगठन है कि नहीं है, वो सब संगठन बैठे हुए हैं, आप इनका इंटरव्यू लीजिए, ये सारे संगठन हैं, आप इनका इंटरव्यू लीजिए। आप इधर आइए, एक क्वेश्चन नहीं, आप बात बोलना। अंत में एक सवाल आपसे आखिरी में है, क्योंकि आज का जो आपकी जो मीटिंग है, हमारी कई संगठनों से अभी भी बात हुई थी, तो बहुत से संगठनों तक ये सूचना नहीं मिली कि कोई आज की कोई मीटिंग भी हो रही है, तो क्या हमें अपना सोशल मीडिया जो आईटी सेल आपका जो भी बना रहे हैं उसका एक आईटी सेल तैयार नहीं करना चाहिए ताकि ये मैसेज सभी तमाम संगठनों तक जाए? क्योंकि जब सूचना ही सभी लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी तो लोग आ भी नहीं पाएंगे। नहीं, बेसिकली अब चूंकि ये शुरुआत हो गई है, आपको पहला गया था वो मैसेज गया था, और इसको शुरू में हम एक साथ मीडिया में नहीं लेके आना चाहते, मगर अब ये 14 अप्रैल तक मीडिया का ही काम है कि वो सवाल जवाब करेगा कि भाई आप सब लोग हमारा नुकसान क्यों कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि आपका भी उतना ही नुकसान है, हमारा भी उतना नुकसान है, हम सब एक ही समाज है, एक ही घर है, नुकसान तो हमारा बराबर है, क्योंकि जो नुकसान हम किसी समाज का होता है वो सबका होता है। तो अब आपके पास बराबर सारी खबरें जाएंगी, सारी मैसेज जाएंगी, और आप सबके पीछे पड़ेंगे कि भाई वो एजेंडा जो था उस एजेंडे पर आपकी राय क्या है, आप उस पे क्या करना चाहते हैं, हाँ या ना कुछ तो बोलेगा। सर ये जो सिग्नेचर हुए आपने कहा बाम साहब के सिग्नेचर, ये कौन से वाले बाम साहब है? लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि मेसराम वाली है या बीएसपी वाली है या पीपीआई वाली है।
ये पीपीआई वाली है, ये पीपीआई वाली है, जो पीपीआई वाली वामसेफ कह सकते हैं या वामसेफ की पीपीआई है। वर्तमान में इनके जो राष्ट्र अध्यक्ष पीआर आ रहे हैं वो वाली है। धन्यवाद। और ये इधर साइड से ले लीजिए आप। गिरा हुआ समाज, गिराया गया समाज, अगर वो उठने की तमन्ना करता है और अभी बरसों से और ज्यादा गिर रहा है कांशीराम जी के बाद, उसमें उठने की तमन्ना कर रहा है, तो इसमें क्या अच्छे की बात है? तो होना ही था, नेचुरल भी है ना, ये सारा का सारा इमारज है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही है। क्या लगता है मान्यवर साहब के बाद समाज में कोई बदलाव कुछ ऐसा नहीं हुआ या वहीं ठहरा हुआ है? हर चीज चेंजेबल है, परिवर्तन है, परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन तो होता रहेगा, पर जो परिवर्तन कांशीराम जी को अपेक्षित था वैसा परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। तो क्या वजह रही, कोई क्यों नहीं आया सामने? संघर्ष में कमतरता नहीं, संघर्ष में जो ताकत डेवलप होना चाहिए थी, एकजुट की ताकत, कोऑपरेशन की ताकत, उसमें कमतरता नहीं। हम अपनी कमतरता को स्वीकार करते हैं, और जैसे उठना है वो अपनी कमतरता को नहीं स्वीकार करेगा, गिरे हुए का एहसास नहीं रहेगा, उठने की तमन्ना कहाँ से पैदा? इसमें दोषी कौन है? हम अपने आप को दोषी मानेंगे, उसके दोषी कौन बनेंगे? दुश्मन का काम है दुश्मन ही करना है, उसको गाली गलौज या बुरा भला कहने से बात नहीं होगी। जिसकी बिगड़ी है उसने ही अपनी बनानी चाहिए। दरअसल आप देख रहे हैं बहुत जगह आप आते जाते हैं कि जो आदमी किसी भी तरह का समण समाज का संगठन बनाता है वो अपने समाज की बाउंड्री बनाता है, और वो अपने कार्यकर्ता को या अपने फॉलोवर को या जो उसका अपना काम करने का फील्ड है वो उसको बांध देता है और उसमें कहीं भी आने जाने की परमिशन नहीं देता। उससे हुआ क्या कि संगठन इसलिए बनाया था ताकि हमारा फायदा हो, क्योंकि समाज के दुख दर्द दूर हो और वो आराम में रहे। हुआ ये कि इतने सारे संगठन बन गए कि समाज में फायदा तो दूर और बल्कि संगठन समाज के लिए नुकसानदायक हो गए। हमारा पैसा भी जा रहा है, हम वहाँ मीटिंगों में जा रहे हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर पे जब रोहित बोमिला का केस हुआ था तो वहाँ 7 लोग 7 संस्थाएं एक दिन में वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही थी। 7 अलग अलग करेंगी तो सामने वाले को तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। खैरलांजी जब हुआ तो खैरलांजी सिर्फ सेंट्रल दिल्ली तक, सेंट्रल इंडिया तक रह गया, वो यहाँ तक आया नहीं। अभी जो आपने देखा मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ, वहाँ लोग अलग अलग जा रहे हैं, तो हादसे में अलग अलग लोग जाते हैं, तो इससे मैसेज ये जाता है कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनके कोई आक्रोश की कोई बात ऐसी होने वाली है, तो नुकसान होने लगा। इसी बीच में सारी चीज़ें हमारी चली गई जो हमें बहुत कठिन परिश्रम से बाबा साहब ने ला के दी थी, वो सारी एक 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 करके हमारी आंखों के सामने चली गई, और जिन संगठनों से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ रोकेंगे कुछ करेंगे वो नाकाम सिद्ध हुए। तो हमने सबसे पहले यही कहा कि भाई आप सब लोग जो हमारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं आप ये एनालिसिस करिए कि हमारा फायदा नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो हमने सब समाज के लोगों ने, हम सारे ही आम समाज के लोग हैं, हमारा कोई संगठन नहीं है, हम बिल्कुल कॉमन मैन हैं, हमने ये बात तय की कि भाई इनको कोई तो कहेगा, तो हम समाज हैं इसलिए हमने ये पहल की कि हम समाज हैं और आप हमारे हित का काम कर रहे हो, ये अहित में हो रहा है, इसलिए आप अपने काम को चेक करो, आपका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है। तो यहाँ हमने सभी संगठनों को ऑल इंडिया से बुलाया, उनको ये बात कही कि भाई आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना लीजिए, हम एक जगह पैसा देना चाहते हैं, हम एक जगह खर्चा चाहते हैं, आप हमें एक कॉल दीजिए, हम अलग अलग कॉल पर नहीं आएंगे, आप हमें एक जगह बुलाइए और एक कार्यक्रम दीजिए जो हमारे वेलफेयर का है, और एक ही तरह बात कीजिए ताकि हमारा वेलफेयर हो, अगर हमारा वेलफेयर नहीं होता तो फिर हमारे किस काम के हुआ, बेकार। सर आपसे एक सवाल है, आप बड़े अनुभवी हैं और काफ़ी मंचों पर आपको देखा गया, क्या लगता है आपका अनुभव कहता है कि ये जितने भी संगठन हैं क्या एक साथ आ पाएंगे? देखिए जी, सारे के सारे संगठन जिनसे मेरी बात हुई है सभी चाहते हैं, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता कि हमको एक नहीं होना चाहिए। सवाल वही अटक जाता है कि हु विल बी द लीडर, तो उसका एक इलाज उन्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। हमारे पास तो है पर हम आने वाले समय में बताएंगे, हम अपने समाज को ही बताएंगे, उन लोगों को अगर पूछेंगे तो बताएंगे, नहीं पूछेंगे तब भी बताएंगे। लेकिन चूंकि वो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, पायनियर हैं, लीडर्स हैं, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, प्रबुद्ध हैं, उनको लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये सॉल्यूशन है। अगर वो प्रेजेंट कंडीशन में ये देख के नहीं बता सकते जो दिख रहा है सबको, आपको सबको,
क्या होने से क्या होता है। अगर एक अच्छा संगठन है जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो संगठन कितना अच्छा काम कर रहा है, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, क्या हम अम्बेडकराइट लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे लीडर्स को सोचना है कि उनको भी उसी पैटर्न पे, एक तरफ जिसको आप गाली दे रहे हैं वो काम में रात और दिन फल फूल रहा है, और एक तरफ जो सुपर है जिसका कोई सानी नहीं है पूरे संसार में, वो रात और दिन गिरता जा रहा है। तो सोचना तो उसको चाहिए, हमारे लीडर हैं। जब वो नहीं सोच रहे, नहीं समझ में आ रही, तो हमको इकट्ठा करके लोगों को बताना पड़ रहा है कि भाई अब हम लोगों का इंतहा हो गई, अब हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते इंतजार, अब हमको इनको बताना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो साथी हैं कॉमन है, जो हमारे वी द पीपल नाम लिया है हमने, हम भारत के लोग, अब हम अपने ही लोगों से सवाल कर रहे हैं कि इतने साल आपने निकाल दिए नेतागिरी कर करके, इसका कुछ सलूशन ढूंढो। नेतागिरी से अपना अपना मतलब तो सॉल्व हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, लेकिन समाज का मतलब बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा। समाज अधोगति में जा रहा है सिर्फ उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। हमको उनका वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं देखना, हमको समाज का, देश का इंटरेस्ट देखना है। इसके लिए हमको यहाँ आना पड़ा, इसके लिए हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। सर, कुछ मुख्य संगठन हैं यहाँ पर दिल्ली में, अभी वो हैं इस टाइम, लेकिन उनके प्रमुख यहाँ से नदारद रहे इस मीटिंग में, क्या वजह रही? नहीं, जानबूझ के, चूँकि हमने जो बुलाया आज, वो ऐसे संगठन हैं जो वाकई देश में जाने जाते हैं, और जिनको आप प्रमुख कह रहे हैं मैं उनको प्रमुख नहीं मानता, दे आर लोकल ऑर्गेनाइजेशन। जिनको आप जाने वाले देश में जानते हैं वो भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके सारे के सारे जो कंट्रोलर है वो आज हैं। आप नाम लीजिए, मैं बता दूंगा। आर्या जी तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? आर्या जी नहीं है, लेकिन उनके जो और जो लीडर हैं वो यहाँ थे, आपने देखा शायद, उनको मालूम नहीं है। बीएसपी की बात कर रहे हैं, अब बीएसपी की बात, बाम साहब की, डी आर आर्या की बात कर रहे हैं, उनके बहुत सारे थे, आपको पता है, उनके साइन है इस पे, उनके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष खड़े हुए हैं, उनका हेड बोल रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो मेन मैन है वो सबको बताओ, सब आए हैं। एक बहुत बड़े मेन हैं वो नहीं आए हैं, उनको आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा, तो वो भी आए। क्या लगता है सर, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा इन संगठनों पर, क्योंकि देखा जा रहा कहीं ना कहीं जो संगठन है अपने समाज के, उनमें जो उसके अंदर कर्मचारी है, जो लोग कार्यकर्ता, उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है बड़ी तादाद में। साहब, यही तो हम सोच रहे हैं, इसीलिए तो हमको आपके सामने आना पड़ा है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारी अधोगति में जा रहे हैं हम, यही तो कारण है जो आप कह रहे हैं। बोलते मैं कह रहा हूं, नेता तो चुने इसलिए थे कि हमने संगठन के जो लोग हैं, हमने जब ही इनको शुरू में चुना था तो इसलिए चुना था कि ये हमारे दर्द आगे तक पहुँचाएंगे, हमारे दर्द को दवा देंगे, लेकिन वो दवाई जहर हो गई है आज, और वो ऐसा है, अब हम उस दवा को, उस जहर को फिर से अमृत करने निकले कि हमें जीवन चाहिए। ऐसा ना हो, तुम तो हमारा आदमी इतने संगठन होकर, इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व होकर भी आज भी हमारा आदमी पिस रहा है, तो उस जो शोषण है उसको दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। हम सब परेशान हैं कि हम कैसे इस शोषण से मुक्ति पाएं। हम तन से, मन से, धन से इन संगठनों के साथ सालों से हैं, आज़ादी के से लेकर अब तक, और लेकिन परिणाम वही, आप रोज़ देखते हैं घटनाएं हमारे लोगों के साथ, कहीं कहीं हर जगह, मतलब अखबार में कोई पन्ना ऐसा नहीं होता जिसमें क्षेत्र के हिसाब से शोषण हो रहा है। तो हम उस शोषण से मुक्ति चाहते हैं कि हम तन भी देंगे, धन भी देंगे, मन भी देंगे, मतलब हम कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने में हम आगे से आगे रहते हैं, पैसा जेब से देते हैं, और उनके उद्देश्य को घर घर तक पहुँचाते हैं, फिर भी हम दुखी हैं। तो तुम लोग आ जाओ, तुम्हारी कहीं कार्यप्रणाली में गड़बड़ है, उस कार्यप्रणाली को ठीक करो, और आगे संगठन को ऐसे करो कि कोई कहीं से भी परेशान हो, चाहे वो उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्व से या पश्चिम से, वो उस संगठन के एक व्यक्ति को करे, सब तक वो बात पहुंचे और उसका दुख और उसका शोषण दूर हो। सर, एक मेरा एक सवाल हो रहा है सर, जितने भी संगठन बनते हैं, जो उनका बायलॉज बनता है, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है सर, उसको कैसे आप उसको निकालेंगे, उसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि उसी में घर ही घर में सारा जो उसका जो कब्जा होता संगठन का, एक ही आदमी का होता है, और वो एक ही आदमी उसी कुर्सी पर बैठा रहता है। कौन से संगठन की बायलॉज की बात करें? अधिकतर संगठन बिना बायलॉज के हैं। किस संगठन की बात कर रहे हैं? ज्यादातर जितने भी संगठन देखे हैं, अधिकतर संगठन बायलॉज के, बिना बायलॉज के हैं। LIC का संगठन देख लीजिए आप, रेलवे का, इनके कहां इलेक्शन, कहां चुनाव, कुछ होता ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। वो
वो लोकल एसोसिएशन का मामला, उनका अपने बायलॉज होते हैं। नहीं लेकिन है तो समाज के ही ना, जो समाज के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये आप हमारे पत्रकार हैं, आप उनसे पूछिए कि भाई आपके बायलॉज और लॉज ठीक नहीं है, आप तो काम करेंगे। बेसिकली क्या है, हम तो पूरे देश से पूछ रहे हैं, हम तो पूरे देश से परेशान हैं। हमने जो भी इन लोगों को बुलाया था, जितने संगठनों को बुलाया था, हमने भी वही प्रश्न किए हैं जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं। तो और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमने सब लोगों को यहाँ इनवाइट किया, और आपको यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया है कि अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन लोगों से प्रश्न पर प्रश्न पूछें। सर एक सवाल, आपकी स्थिति ये कब तक रहेगी, कब तक ये बिखराव रहेगा, कब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे समाज का, या कब तक नुकसान करेंगे, या जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं वो उस उद्देश्य में क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण आप उनसे पूछिए ना, लोगों के पास जाइए। कि जब कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हमने कहा कि हम सबको कहते हैं कि एक मंच पर आ जाओ, हमने व्यवस्था की, तो आप लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि इसका मतलब वो अपनी कुर्सी चाहते हैं। नहीं, वो हमें जवाब नहीं दे रहे। एक्चुअली पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी मीटिंगें लगातार होती रही हैं। अभी हाल में ऋषिकेश के अंदर भी एक ऐसी मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि हम एक बड़े स्तर पे एक राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करेंगे। लेकिन अभी आपकी ही यहाँ पे मीटिंग में आए कुछ साथी थे जो मुझे वहाँ ऋषिकेश में मिले थे, अभी मैंने उनसे बात करी कि आपकी दोबारा मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई। क्या सिर्फ एक दिन की मीटिंग से राष्ट्रीय संगठन तैयार हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें उसमें दिल्ली आसमान का अंतर है। ये भारत की पहली ऐसी मीटिंग है जो समाज ने कही है, समाज ने की है, और समाज ने जवाब मांगा है संगठनों से। हम संगठन बनके अगर संगठन से जवाब मांगते हैं तो वो ये कहते हैं तुम भी संगठन हम भी संगठन, हमें क्या अंतर, तुम छोटे बड़े फ्री आ जाता है। समाज में अगर संगठन बन के आप जवाब मांगोगे, आप आज सारे के सारे समझ के गए हैं, खूब सुन के गए हैं आज, हम समाज में नुकसान हमारा हो रहा है, तुमने हमारे वेलफेयर की गारंटी ली और हमें परेशानी हो रही है, तुम हमारे किस काम के भाई। तो हम किसी भी हालत में संगठन नहीं है। मतलब आज आप जवाब मांग रहे हैं उन लोगों से जिसने आप कॉमन मैन, कंफ्यूजन ये है आप लोगों को अभी तक यहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ कोई संगठन नहीं बनने बनाने के लिए आए हैं। यहाँ जो संगठन चल रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर, राजनीति का जो भी है, उससे सवाल किया जा रहा है, उससे प्रश्न किया जा रहा है कि आज तक आपने क्या किया है और क्यों नहीं सफल हो रहे, उसको अल्टीमेटम दे रहा है कि तुम सुधर जाओ, आगे का रास्ता अपना सही अपना लो, 2020 तक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अगर नहीं सुधरो तो तुमको हम रास्ता दिखा देंगे। तो वही तो बात हम कह रहे हैं कि 2000 इसी बात को तो हम कह रहे हैं कि अगर 2014 अप्रैल 2020 में अगर नए संगठन की प्लानिंग हो रही है, अगर वो नहीं सुधरते तो संगठन तो बनना लाजमी है। बात तो वही हो गई, हमने नहीं करनी, हमने नहीं करनी नए संगठन की प्लानिंग करनी है, तो इन्हीं संगठनों को प्लानिंग करनी है कि भाई ये इसको किस तरह से संगठित होते हैं। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, 14 अप्रैल 2020 को बहुत लोग आने वाले हैं, क्योंकि अगला जो कार्यक्रम है, एक्शन है, वो ये बताने के लिए है, मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, नेट के थ्रू, हम जहाँ जहाँ जाएंगे माउथ स्पीकिंग के थ्रू चर्चा में, कि भाई आप अपने संगठन में कहो कि आप हमें बार बार ये पढ़ा रहे हो पिछले 70 साल से कि संगठन में शक्ति है, अगर संगठन में शक्ति है तो तुम क्यों नहीं संगठित होते, तुम क्यों नहीं शक्ति इकट्ठी करते, तुम सारे मिलके संगठित नहीं होते और हमसे कहते हो, तो ये डबल बात नहीं चलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम वहाँ एक परिपत्र जारी करेंगे, एक सर्कुलर जारी करेंगे, अगर इन केस वो लोग एक सेंट्रलाइज सिस्टम को नहीं बना पाए, या हमारे लिए वेलफेयर का कार्यक्रम नहीं दे पाए, या वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाए, या हमारे पैसे का वो सही उपयोग नहीं कर पाए, या हमें जो वो बुलाते हैं उसका वो सही उपयोग नहीं कर पाए, वहाँ जो हम लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि अब इनको क्या निर्देश दिए जाएँ, अब इनको क्या आदेश दिए जाएं, और अपने जितने भी हमारे जैसे आम आदमी हैं उनको क्या कहा जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात हुई, नागपुर में एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, 45 मिनट उनसे बात हुई और उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए, हमने सबका सवाल दिया, क्योंकि हम समाज हैं। लास्ट में हमने ये कहा कि हम समाज हैं, आप एक क्षण के लिए ये सोच लो कि अगर हमने आपको पैसा देना बंद कर दिया, और हमने आपकी मीटिंग में जाना बंद कर दिया, और हमने आपके प्रचार को बंद कर दिया, तो आप अगर फिर भी संगठन चलाते हो तो ये पता चल जाएगा कि आपको पैसा कहीं और से आता है, आपके पीछे कोई और आदमी है, या आप खत्म हो जाओगे। बस इतना सुनते ही वो बोले कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मगर मेरा पूरा सपोर्ट है जो आप काम कर रहे हैं। 45 मिनट बात करने के बाद में वो उनसे इस बात को मान गया कि समाज बड़ी शक्ति है, हम किसी भी हालत में किसी भी सूरत में कोई संगठन नहीं बनाएंगे, हम लगातार हम संगठनों की जो रसद है, जो उनकी सप्लाई चेन है, उसको तो रोक सकते हैं,
हम उनके यहाँ जाना रोक सकते हैं, मगर हम संगठन नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम संगठन बनाएंगे तो वो यही चाहते हैं कि हम एक संगठन बनाएं, और फिर वो ये कहें कि देखो तुम्हारा मकसद ये था कि तुम भी संगठन बनाओ और तुमने ये सारी कवायद संगठन बनने के लिए की है। आज तक भारत में जितनी भी मीटिंग हुई है वो ऐसी मीटिंगें करता है, और जो मीटिंग करता है वो ये कहता है कि अब मैं तुम्हारा नेता हूँ, तुम मेरी छत्र की छाया के नीचे आ जाओ, बस वही कहानी खत्म है नेता बनने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है। हम किसी भी हालत में, यहाँ जितने भी लोग हैं ये बहुत क्रांतिकारी लोग हैं, और इसके अलावा लगभग 1000-1500 लोगों से बात की हुई है, 350 लोग इनके पास में, साहब काशीराम जी के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, बीच वाले हैंड है, यहाँ बहुत पुराने लगभग 250 के करीब लोग हैं जो बूढ़े बूढ़े इस तरह के हैं, वो सब परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि उनको रात को नींद नहीं आ रही है। तब जाके ये मीटिंग की थी बहुत मजबूरी में कि अब हमको सामने आना पड़ेगा इनको ये कहने के लिए कि आप ठीक हो जाइए। इसलिए आप अपने जहन से ये बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि हम किसी भी हालत में कोई संगठन नहीं बनाएंगे, मगर हम लगातार ये कहते रहेंगे, और हमारे पास रास्ते हैं, समाज के पास रास्ते हैं, समाज उनको ठीक कर देगा, ये हमें गारंटी है, और आप इसमें पूरा सहयोग और मदद करेंगे, क्योंकि आप जो सवाल पूछने वाले हैं उनसे उनके पास जवाब नहीं है। आप उनसे पूछिए कि आपको पब्लिक पैसा देती है तो आप उस पैसे का क्या करते, कोई हिसाब नहीं देता, कभी भी कोई हिसाब नहीं देता। आप उनसे पूछिए कि जो लोग सपोर्ट में आते हैं, आप कहीं भी सपोर्ट को बेच आते हैं, इसका क्या मतलब है, आपको इसने सपोर्ट दिया था क्या? आपके सवाल इतने खतरनाक होने वाले हैं, हमारे सवाल इतने खतरनाक होने वाले हैं कि उनको या तो छोड़ के भागेंगे वो, और या वो ठीक ठीक होते हैं, दोनों में से एक काम। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।